यू आर वॉचिंग गली न्यूज़। तो अस्सलाम वालेकुम। एजुकेशन सिस्टम्स के बारे में तो आपको पता है कि जो इस दुनिया क्या, इस देश क्या, इस दुनिया में जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हॉस्पिटल्स का सिस्टम है, मेडिकल सिस्टम है, वो कितना कमर्शलाइज होते जा रहा है। अभी आप देखिए, हमारे साथ कमरुद्दीन शेख साहब है, धारावी के रहने वाले। इनकी बच्ची का एपोस्टोलिक कार्मल जूनियर कॉलेज बैंड्रा का है, उसमें एक केस आया जिसे आपको पता चलेगा कि कैसे जो है सिस्टम्स में कॉलेज और ये जो भी है कॉलेजेस है, स्कूल्स हैं, ये कैसे वो करते हैं। हमारे साथ है कमरुद्दीन शेख भाई, इनकी बच्ची 11th में एडमिशन हुआ था 2021 में। जी बोलिए भाई, कभी हुआ था आपकी बच्ची का एडमिशन? मेरी बच्ची ने मार्च 2020 में 11th, शॉर्ट वर्ड पॉइंट टू पॉइंट बोले, 11th लंबा जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये इनका नाम क्या है? ये भी शानुद्दीन शेख है, आपके साथ है। अच्छा, इनका एडमिशन नहीं था? नहीं, बच्ची मेरी बेटी का था। ठीक है, मार्च 2020 में उसने 10th पास किया। ठीक है, और मैंने 19 अगस्त 2020 में फॉर्म भरा था ऑनलाइन, जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के उसूल के हिसाब से ऑनलाइन ही एडमिशन मिलेगा। ठीक है, जिस वक्त ऑनलाइन में एडमिशन मिल रहा था तो उस वक्त कार्मल कॉलेज की फीस 14,000 रुपए दिखा रहा था। एपोस्टोलिक कार्मल जूनियर कॉलेज, यानी ये ऑनलाइन इसके ऊपर दिखा रहा था ऑफिस। हाँ, ये ऑफिसरी वेबसाइट है उनकी। जी जी हाँ, ये वेबसाइट पे 14,000 रुपए। ये उनकी वेबसाइट नहीं है, ये अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट। हाँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट की। जी ठीक है, इस पे 14,000 यहाँ पर दिखा रहा है, बराबर। जी हाँ, मैंने 14,000 रुपए देख कर ही वो स्कूल को सेलेक्ट किया था। जी साइंस था जो? जी साइंस में मेरी बच्ची का एडमिशन हुआ। पहले राउंड, दूसरे राउंड, तीसरे राउंड में एडमिशन नहीं हुआ। स्पेशल राउंड में मेरी बच्ची को एपोस्टोलिक कार्मल में अलॉटमेंट मिला। मैं अपोस्टोलिक कार्मल में एडमिशन, आपके माइंड में 14,000 भी होगा कि मैं, मुझे 14,000 रुपया देना है जूनियर के कॉलेज के लिए 11th और 12th में। ठीक है, लेकिन मुझे धक्का उस वक्त लगा जब उन्होंने मुझसे 30 एडमिशन लेने गए। एडमिशन के टाइम पे मुझसे कहा कि हमारी फीस है ना 36,000। ये कभी की बात है? 2020 की, 2020 नवंबर में। अच्छा, जिस वक्त मेरा डबल से ज्यादा हुआ, ढाई गुना ज्यादा मांग रहे हैं। आपने बोले नहीं क्यों मांग रहे भाई? मैंने उनसे कहा आप क्यों मांग रहे हो, अगर आप मांग रहे हो तो आपके पास रिटर्न में कुछ मुझे लिख के दीजिए कि हमारी फीस इतना है। गवर्नमेंट तो 14,000 बोल रही है। हाँ, गवर्नमेंट मुझे आपको हमारे पास, मुझे डिप्टी डायरेक्टर के जरिए, मैं ऑनलाइन के जरिए आपके पास आया और मुझे उन्होंने दिखाया है कि 14,000 रुपये आपका फीस है, तो मैं आपके पास आया। ठीक है, उन्होंने कहा हम आपको रिटर्न में कुछ नहीं दे सकते, आपको जो भी है अगर एडमिशन लेना है तो लीजिए, नहीं तो कैंसिल कर दीजिए। मैंने कहा ऐसा नहीं होता है, मैं वाया ऑनलाइन आया हूँ, आप मेरे को ना एडमिशन देना पड़ेगा। मैंने बहुत ज़्यादा उनको इंस्टीट किया और 7,000 भर के मैंने मेरे बच्चे की एडमिशन सीट है ना रिजर्व कर लिया। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने मुझसे साल भर में कई मरतबा ना फीस मांगा, लेकिन मैंने उनका 27 नवंबर को प्रिंसिपल को एक लेटर दिया कि आपका 37,000 किस तरह से फीस है वो मुझे आप रिटर्न में दीजिए। ठीक है, और इसकी शिकायत मैंने ना डिप्टी डायरेक्टर चरनी रोड के ऑफिस में मैंने डाला। ठीक है, 27 नवंबर में मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद में मैंने लगातार 3, 4, 8, 10 को आपने दिया, 14-1 को दिया। जी, 3, 4 मैंने ना उनके पास है ना कंप्लेंट डाला, वहाँ से कोई जवाब नहीं। कोई देखिए दोस्तों, ये जो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का है, ये इनका काम है कि ये स्कूल कॉलेजेस को रेगुलेशन में रखे, मगर इनके पास शिकायत जाने के बाद भी सालों साल तक ये कोई सुनवाई नहीं करते, तो कैसे ये सिस्टम एजुकेशन सिस्टम जो है सुधर पाएगा, स्कूल की मनमानी रोकी जाएगी। मगर ये भाई ने, जो कमरुद्दीन भाई ने, जब एक आखिरी लेटर 10-2 फरवरी में, यही फरवरी को एक लेटर भेजा, 2 साल तक सुनवाई नहीं हुई, 2 साल तक 2020 और 2021 में सुनवाई नहीं हुई। तकरीबन 1.5 साल तक सुनवाई, 1.5 साल तक ही। तो 10-2 को इन्होंने एक लेटर भेजा, लेटर में इन्होंने क्या लिखा कि भाई अगर आपने मेरी सुनवाई नहीं की है तो मैं धरना दूंगा और आपके ऊपर लीगल सूट फाइल करूंगा। जब ये धरने की बात आई तब इनकी सुनवाई ली गई है। हाँ, तब इन्होंने मुझे 16 मार्च को, ये आप बोल, ये आप नहीं बताया था, ये मैंने पढ़ा है इसमें। जी, 16 मार्च को मुझे ना एक लेटर भेजा। जी, और मेरी 9 जून को सुनवाई रखी, 14-1 की सुनवाई। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, तकरार निवारण समिति वाशी में मेरे है ना, इन्होंने ना सुनवाई रखा। हाँ, वहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर के जो ऑफिसर थे उन्होंने मेरी सुनवाई ली, मेरे पक्ष सुने और स्कूल के भी पक्ष सुने, और उसके बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है जो हमको जजमेंट देना होगा। ये कभी की बात है? ये है उनका 9 जून का, 9/6/2022। हाँ, 9 जून, यानी आपकी 9/6 को सुना है। अच्छा, उस टाइम को स्कूल का रिप्रेजेंटेटिव था उधर? हाँ, वहाँ से उनके 2 क्लर्क आए थे। कहाँ से? एपोस्टोलिक कार्मल से। अच्छा, तो कॉलेज ने ना उनसे कहा कि भाई 14,000 तुम्हारा क्यों दिखा रहा है? बोले सर हमने ना उनको रिटर्न में कई बार दिखाया, बोला कि आप दुरुस्त करो, लेकिन वो लोग ना ऑनलाइन में दुरुस्त नहीं करते। मैंने कहा कि भाई आप लोगों के दोनों के झगड़े में एजुकेशन डिपार्टमेंट दुरुस्त नहीं करता है, आप 14,000 रुपये दिखाता है और ये लोग है ना
37,000 मांगते हैं या 36,000 मांगते हैं, तो मैं किसी भी दिमाग में गलत आएगा ना, वो तो बात सही है। मैं कहा बीच का पैसा कौन खा रहा है, वो बीच का पैसा किधर जा रहा है, मुझे साहब आप मेरे को जवाब दो। या तो आप बोलो कि वाकई में इनकी फीस 37,000 रुपए 36,000 रुपए। मैं कहा आप मुझे ऑर्डर दीजिए। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं आपको इन्होंने है ना काउंटर पे बता दिया था ना कि इनका फीस है ना 36,000 है। किसने बोला ये? ये मेरे को ना शेष राव बड़े साहब ने बोला, ये उनका नाम है शेष राव बड़े। तो मैं बोला ओ थैंक गॉड 1,00,000 नहीं बोला, नहीं तो मेरे को तो 1,00,000 भरना पड़ा। तो बोले नहीं 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 जो ऑफिशियली होता है वही भरना पड़ता। तो ऑफिशियली आपने लिखा क्यों नहीं? सर मेरे को तो 14,000 रुपए आपने दिखाया डिप्टी डायरेक्टर ने, जिसने आपको लग रहा था वो उनसे उनकी साइड से बात कर। हाँ हाँ बिल्कुल वो उनकी साइड से बात कर रहे थे। तो मैंने कहा सर आप मेरे को लिखित में दो, जितना आप मेरे को लिखित में दोगे मैं उतना फीस भरने को तैयार हूँ। बाद में ना उन्होंने 18 जुलाई को एक मेरे को सुनावनी का जजमेंट दिया, जिसमें ना तो मुझे कुछ फीस भरने के लिए जजमेंट दिया। हाँ शानुद्दीन दिखा अभी दिया था। अच्छा वो ऑनलाइन दिया, ऑनलाइन में मेरे को है। हाँ वो जजमेंट में मैंने देखा है, पूरा पढ़ा, पूरी हिस्ट्री दिया हुआ है कि आपने कब क्या क्या किया। जजमेंट क्या पास किया? जजमेंट ये बोला कि हमने ना कॉलेज को बोला है कि आप अगले साल के लिए अपना जो कॉलम है उसमें अपना फीस दुरुस्त करा के ले लो, बस इतना करके लिया। बाकी सर मेरा कंप्लेंट ये था कि मैं एज ए पेरेंट्स स्कूल में जाता हूँ, मुझसे ज़्यादा फीस मांगी जाती है, तो आप स्कूल के ऊपर कार्रवाई करो। उसने कुछ भी कार्रवाई नहीं करी और जजमेंट भी कोई है ना, मैंने उनको ये नहीं बोला था भाई आप दुरुस्त करवा लो, दुरुस्त करवाने वाले मैं और वो तो नहीं होते। मेरा कंप्लेंट ये है कि वो मुझसे ज़्यादा फीस मांग रहे थे। आपको लग रहा है ये ऑर्डर बायस है मतलब स्कूल की? कोई कोई वो जो ऑर्डर उन्होंने दिया है ना उसका कोई मतलब नहीं है सर, ना तो उन्होंने उनकी साइड से दिया ना मेरी साइड से दिया, कैसा है कि भाई बस मुझे कुछ तो लिखना है। आपने उनको सवाल नहीं किया कि सर आप मुझे कह रहे हैं कि 37,000 काउंटर पे मांगेंगे तो यहाँ 14,000 क्यों दिखा रहे हैं आप, अभी चेंज कर दो बोलने का था। मैंने उनसे बोला तो वो बोले वो नहीं वो पूरा है ना जो सिस्टम है ना वो सिस्टमेटिक ही चेंज होगा और वो स्कूल का काम सिस्टम है। चेंज नहीं होना चाहिए, ऐसे ऑफिसर चेंज होना चाहिए भाई, ये जैसे लोग बैठते हैं ना जी जी। जो सुनवाई नहीं करते गरीबों की और ये चेंज होना चाहिए। सिस्टम बहुत अच्छा है जी जी। सिस्टम है तभी तो ऑफिस ऑफ द डेप्यूटी डायरेक्टर की एक ऑफिस खोली गई है। ये जो लोग बैठते हैं ना जो ये चलाते हैं जो दोनों तरफ से वो रखता है ये कोई ऑर्डर ऐसा कोई ऑर्डर, इस ऑर्डर को आप चैलेंज करोगे किधर के? बिल्कुल बिल्कुल। बच्ची की क्या पोजीशन है? 2 साल बच्ची ने जो पढ़ी है वहाँ पर बच्ची बिना फीस भी है। 11th भी मेरी बच्ची का हो गया, 12th भी मेरी बच्ची का पास हो गया, फिर वो मेरे बच्ची को ना कॉलेज वाले ना LC और मार्कशीट नहीं दे रहे थे। पहले बात करते हैं हॉल टिकट की, जब 12th का HSC का एग्जाम आया तभी भी आपने कुछ फीस नहीं, मैंने सर सिर्फ 11th और 12th का सिर्फ 7,000 सीट फीस भरा। 14-14 28 बनना चाहिए था, उनके हिसाब से 37-37 74 बनना, तो आपने सिर्फ 7,000 भरा। मैंने सिर्फ 7,000 भरा और मेरा ये बोलना था कि जब तक मेरा डिस्प्यूट रहेगा डिप्टी डायरेक्टर के इधर, वो 14,000 दिखा रहे और आप 37 मांग रहे, इसका उत्तर मुझे जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं आपको फीस देने वाला नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि 2 साल बाद इन्होंने बढ़वा लिया, कोई टर्म्स एंड कंडीशन में बढ़वा लिया, मगर आपके टाइम पे 14,000 ही था, ऐसा भी हो सकता है। सर अगर बढ़ाया भी है उन्होंने तो मुझे नहीं बढ़ाया, तो अभी करंट के लिए बढ़ाएगा ना? नहीं सर अगर करंट के लिए भी बढ़ा रहा है अभी क्या दिख रहा है उसको? अभी आपने जो चेक, अभी देखिए आज 18 जुलाई को उन्होंने ना मेरे को ये ऑर्डर दिया कि हमने स्कूल को बोल दिया है कि आप है ना लिखित में है ना करवा लो। अभी ये जुलाई का यानी 2022 का नेक्स्ट ईयर का जो एडमिशन है 11th 12th का वो 28 जुलाई से स्टार्ट हुआ। हमने वापस है ना 29 जुलाई को देखा वेबसाइट पे जाके, वापस वही 14,000 दिखा रहा है। यानी कि इस साल भी जो पेरेंट्स जाएंगे वो 14,000 देख के आपने माशाल्लाह इतनी जो ये किए हो, आपने तहकीक नहीं की कि ये डिसाइड कौन करता है 14,000 से फीस बढ़ेगी तो इनका कोई पावर है क्या कॉलेज का? नहीं डिप्टी डायरेक्टर नहीं सर, डिप्टी डायरेक्टर ही सेट करता है कि भाई आपको इतना फीस लेना है, इससे ज़्यादा फीस नहीं लेना है। ये प्रस्ताव दे सकते हैं कि सर हमारी फीस है ना इतना इतना होना चाहिए, हमने इतना फीस बढ़ाया है, ये भले ही इन्होंने अपना प्रस्ताव आपके दिया होगा। सबसे लॉ ये 14,000 फीस लॉ क्या कहता है सर? लॉ देखिए ऐसा है, इन्होंने जो ऑनलाइन एडमिशन जो 11th और 12th के लिए बनाया है उसमें दो मेरिट के बेस पे ना एडमिशन होता है और पेरेंट्स को बोला जाता है। गवर्नमेंट एडेड स्कूल है ना? जी जी गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट एडेड नहीं, ये परमानेंट अनएडेड लिखा हुआ है इसमें, परमानेंट अनएडेड। तो ये तो कॉलेज स्कूल डिसाइड करेगी क्या फीस होगी सर? स्कूल डिसाइड करेगी क्या फीस होगी, वो फीस ले जाके उनको वहाँ पे देना पड़ता है कि हमारा इतना फीस है आप ऑनलाइन में कर दीजिए, लेकिन उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं। अच्छा अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन कॉलेज फीस फिल नहीं करती है तो वो उनकी फीस नहीं बढ़ाती है। तो उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन होगा डिप्टी डायरेक्टर का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का
नहीं तो प्राइवेट आईसीएसई कॉलेज या स्कूल से ये तो कभी भी कुछ भी बढ़ा देते, उनको कोई लेना देना नहीं सब चीज़ों से। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो 15% ही तीन साल में 15% ही बढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ रूल है। बराबर, हाँ ये रूल है, 15% से ज़्यादा तीन साल में नहीं बढ़ा सकते। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी बच्ची का फिर बाद में अभी एसएससी हो गई? हाँ 11th हो गया, 12th हो गया। मुझे वो लोग रिजल्ट और मेरे बच्चे का एलसी नहीं दे रहे थे, मैं दोबारा उनके पास गया, मैं कहा भाई मैं है ना एलसी लेने के लिए आपके पास आया हूँ और आप मुझे एलसी दीजिए। उन्होंने कहा भाई आपने फीस नहीं भरा है। मैं कहा मेरे पास मेरा ऑर्डर हुआ है, मुझे वो ऑर्डर में कोई भी फीस भरने नहीं बोला है, इसलिए मैं आपको कोई फीस नहीं भरूंगा। अगर आपके पास ऐसा कोई ऑर्डर है कि मुझे फीस भरना है तो मुझे आप दीजिए, मैं बिल्कुल फीस भरूंगा, या फिर आप मेरे को ना एक लीगल नोटिस दीजिए कि आपका इतना इतना फीस बाकी है, आपका एलसी हम नहीं देंगे, जो मुझे आगे प्रोसेस करना है वो हम करेंगे। वो मेरे इस बात को ना समझे, पता नहीं क्या हो, फिर उनके दिमाग में आया तो प्रिंसिपल ने मुझे एलसी और फीस है ना बिना फीस भरे हुए दे दिया। मैंने सर जूनियर में है ना, और जूनियर के जी और ये इलेवेंथ में और ट्वेल्थ में सिर्फ 7000 भरा, उसके अलावा मैंने एक रुपया नहीं भरा वहाँ पे स्कूल में। और मैंने बिना फीस भरे हुए मुझे 11th 12th की मार्कशीट भी मिल गई और एलसी भी मिल गई। मैंने ये लड़ाई को जारी रखा और मैं क्यों लड़े आपने? दूसरे पेरेंट्स तो लड़ते नहीं है। नहीं सर, अगर दबाव में आ जाते हैं। नहीं सर देखिए, अगर कोई मीठे बनते हैं पेरेंट्स, अगर कोई लड़ नहीं रहा है तो हमको अपनी लड़ाई नहीं छोड़नी है ना हमारी। अगर हमको लग रहा है कि हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमको तो अपना कंटिन्यू करना है ना। अगर मुझे ये एलसी और वो नहीं मिलती तो मैं कोर्ट में मूव होता कि भाई मेरे बच्चे का साल बेकार हो जाएगा, उसको 13 में एडमिशन नहीं मिलेगा, वो एडमिशन रुकता उसका, मैं कोर्ट में जाता है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई नेक्स्ट ईयर क्या होने वाला है, क्या मेरे जैसा एक और कमरुद्दीन खड़ा होने वाला है या मेरे जैसा मेरी बेटी का कोई वालिद खड़ा होगा इनके खिलाफ में। क्योंकि ये जो अलॉटमेंट होता है ना सर, वो एज ए लॉटरी बेस पे होता है। मैं 10 स्कूल में मैंने चॉइस किया है, मुझे अपोस्टोलिक कारमन नहीं चाहिए था, मुझे मेरी ऐसी ख्वाहिश नहीं थी। आदमी देखता है कि भाई रेट कहीं फिक्स है ताल्लुकात। अच्छा अभी एक बात ये बताइए कि देखा जाए तो आपका फीस पेंडिंग है। जी सर, तो आपका इरादा है कि बस ऐसा ही चांस मार के कैसे करेंगे? नहीं नहीं सर, मैं देखिए जो उनकी हक मैं पूछ रहा हूं कि दिमाग में सवाल आएगा ये। नहीं नहीं देखिए सर, उन्होंने बच्ची को तालीम दिया है, 2 साल उन्होंने तालीम दिया है, जो उनके हक का है वो मैं दूंगा। उनके हक कौन डिसाइड करेगा सर? मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने तो 14000 ही देखा ना, तो एटलीस्ट मेरे ऊपर तो लाइबिलिटी 14000 की हो ही जाती है ना। अगर आप भी मेरी तरफ मुझसे एक क्वेश्चन करेंगे भाई बच्ची ने 2 साल पढ़ा तो आपने कितना भरा, आपने 7000 में भरा। मेरा पैसे को लेके सर कोई झगड़ा नहीं था, मेरा झगड़ा ये था कि 14000 क्यों दिख रहा है वहाँ ऑनलाइन और आप 37 क्यों मांग रहे हैं? ठीक ठीक है ठीक है। तो मैं 14000 के हिसाब से जो फीस बनती है उनकी वो मैं उनको दे दूंगा। जी जी। तो दोस्तों देखिए, ऐसे भी कोई पेरेंट्स रहते हैं जो जद्दोजहद करते हैं, हार नहीं मानते हैं। मैं समझता हूँ स्कूल में कम से कम नहीं बोल के भी 250-300 बच्चे का एडमिशन हुआ है, और कुल मिला के 2000 की स्ट्रेंथ होगी स्कूल की, मगर सिर्फ 2000 में से एक बंदा कमरुद्दीन शेख ये खड़ा हुआ और इन्होंने बात मनवा के एलसी ले ली। इसका मतलब ये नहीं था कि इनको वहाँ से पैसे बचाना था, इनको ये था कि ये गलत सिस्टम है। क्या सिस्टम है? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम्स और मेडिकल सिस्टम पब्लिक की समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों इतना रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। गवर्नमेंट है जो क्लासेस पर 18% का GST मार रही है, यानी कहीं से कोई सुनवाई नहीं, कुछ भी नहीं। आम आदमी परेशान हो के तंग आके दे देता है, गिरवी करके दे देता है, कर्जा लेके दे देता है। ये हमारे भाई बहुत बहुत शुक्रिया, और हम समझते हैं कि ऐसे लोग को ही मैं समझता हूँ लोग आपको देख के थोड़ा अंडरस्टिमेट किए होंगे कि पढ़े लिखे नहीं रहते, ऐसा कुछ इमेज आया होगा, मगर आपने एक बहुत अच्छी साबित कर दी, एक मिसाल बना दी कि आप इसके लिए लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ना अकेले। सर मैं आपके माध्यम से ना लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि अगले साल भी अगर 2022 और 2023 के लिए जो पेरेंट्स हैं ना वहाँ पे एडमिशन लेते हैं, वो उनसे ये सवाल करें कि आपका ऑनलाइन में कम दिखाता है। नहीं, एक बात मैं भूल गया, आपने मेरी डिस्कशन हो रही था, आपने कहा था कि प्रिंसिपल ने आपसे कुछ बात की थी, कि आपने कहा था कि पैसे वापस, पैसे के बारे में कुछ बात हुई थी कि आप ले जाओ LC। नहीं नहीं सर, उन्होंने ये कहा कि अगर आपका ज़मीर बोले तो आप पैसे देना वरना मत देना। मुझे उन्होंने LC दे दिया, बोला ठीक है अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फीस नहीं भरना है तो लेके जाओ। आपने क्या कहा? मैंने कहा ठीक है, जब मुझे लगेगा कि फीस भरना है तो मैं दूंगा। सर मुद्दा ये था कि मैं जीत रहा हूँ कि आप जीत रहे हो। अगर थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहूँ, अगर मैं आपकी जगह रहता तो मैं उनको ये बोलता, मैडम अगर आपका ज़मीर जाग जाता है तो जितने 2000 बच्चे के पैसे आपने लिए 2 साल के वो वापस कर दो। जी सर बिल्कुल, ये होना चाहिए था। तो जिस तरह से मेडिकल और एजुकेशन सिस्टम इतना महंगा होते जा रहा है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग पढ़ पाते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ लोग डिसाइड कर नहीं कर पाते कि क्या करना है नहीं करना है।
तो जब इनकी मनमानी बढ़ने लगी तो एक एजुकेशन डिपार्टमेंट खोला गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट इनको मॉनिटर करता है। मगर इस केस में यहाँ पर देखिए, कुछ हमारे कमरुद्दीन भाई जैसे लोग भी हैं जो आ जाके हमारे एक चीज़ बता कि कॉलेज की फ़ीस जो है गवर्नमेंट 14,000 बता रही है और जब वहाँ गए तो 37,000 बचा रही है। ये वापस उस गवर्नमेंट ऑफिस में बताते हैं, जाते हैं जहाँ पर 14,000 की फ़ीस जो है दिख रही है, तो उनको अप्लाई करते तो 2 साल तक उनका कोई जवाब ही नहीं आता है। तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है स्कूल्स को हैंड एंड ग्लोव चलती है, उनके जिस मकसद के लिए बनाया गया गवर्नमेंट की, उस पब्लिक के लिए बनाया गया, स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया, ये उसके ऊपर ध्यान न देते हुए ये एक ऐसा उदाहरण है कि आप समझ सकते हो कि ये जो है एजुकेशन सिस्टम, जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये स्कूल कॉलेजेस के सपोर्ट में कैसे काम करती है आप इस पर देख सकते हैं। जी जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही काम करते रहिए और आपकी बच्ची को अल्लाह और इसको तालीम याफ्ता बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया, करने से बात करेंगे।